हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। चलो आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10 साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। साथ में ही आपको लोगों के साथ मैं आप लोगों के साथ लिखूंगा और आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग जरूर इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो चलो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ पहला प्रश्न और आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा सही आंसर देने का। चलो फिर हम लोग देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन है, विटामिन का नाम सुना है? सुना होगा यार, विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है। अब मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, का अंडा, खा मछली, गा गेहूं, घा संतरा। चलो भैया आप लोग सही आंसर, सटीक आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, संतरा। संतरा करेक्ट आंसर है क्योंकि खट्टा है ना, तो खट्टा विटामिन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर टू। प्रश्न नंबर टू क्या कह रहा है? यकृत का नाम सुना है या नहीं? बहुत अच्छे से सुना होगा। यकृत स्त्रावित या स्रावित कह सकते हो, स्त्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, तो वो क्या स्रावित करता है? तो वैसे आपको पता होगा, मैं ऑप्शन देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑप्शन दे देता हूं। का लार, खा यकृत है ना, जठर रस, गा पित्तरस, घा कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोगों को मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, तो आप लोगों को पता होगा। तो इसका क्या होगा? यकृत स्रावित करता है, पित्तरस। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को पता हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो यार अच्छा लगता है अगर आप लोगों को पता हो तो। प्रश्न नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? देखो अब हम आप लोगों से और भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग धीरे धीरे स्टडी करो क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम हो सकता है रद्द भी हो जाए, हो सकता है कल भी दे, ठीक है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन है, मुकलन पाया जाता है। मुकलन नाम सुना होगा, वैसे मुकलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो का आपके ऑप्शन है, का प्लेनेरिया में, खा हाइड्रा में, गा अमीबा में, घा इनमें सभी। तो कौन सा सही आंसर होगा? मुकुलन, नाम सुना होगा, मुकुलन मैंने पढ़ाया दिया। तो किसमें पाया जाता है? क्या अमीबा में पाया जाता है? नहीं, किसी में तो पाया ही जाता है। तो क्या सही हो सकता है? बिल्कुल सही है, हाइड्रा। और एक बात और याद रखना, ये एक चीज में और भी पाया जाता है, किसमें? आई होप ये किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है, सही है, मुकुलन हाइड्रा में ही पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में भी पाया जाता है क्या? हाँ, ईस्ट में भी पाया जाता है, मुझे लगता है ईस्ट नाम सुना होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर फोर, प्रश्न नंबर फोर क्या कह रहा है ना, कि प्राग कोश में होते हैं, नाम सुना होगा, देखा भी होगा फूलों में, प्राग कोश
में होते हैं। प्राग कोष में क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो देखो प्राग कोष में क्या होते हैं, तो पहला आपका है का नंबर वाहदल, खा है प्राग कण, गा है अंडप, घा है वर्तिका। तो भैया आपके पास जितने सारे ऑप्शंस हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, चार ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। प्राग कोष, प्राग कोष में क्या पाया जाता है, नाम सुना है देखा भी होगा और आई होप कि जब छोटे रहे होंगे तो उसको तोड़ा भी होगा, अभी भी तोड़ते हैं ठीक है। तो प्राग कोष में क्या पाया जाता है, प्राग कण, जो कि क्या है ये, नर जनन अंग है, मादा जनन अंग, क्या है ये, बिल्कुल सही है, नर जनन अंग है, मादा जनन अंग क्या है, जान गए सही है, वर्तिकाग्र ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे, देखो जो कि अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं यार, बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे तो ठीक है। मनुष्य, मनुष्य के जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन मैं आपको देता हूं का कितनी होती है, नॉट मैंने जोड़ी नहीं किया, पेयर नहीं कहा कि कितने पेयर होते हैं, मैंने जोड़ी नहीं कहा है इसलिए ध्यान रखना, 24, 22, गा है 42, घा है 44। तो कितने होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा, सही है 44 होते हैं ठीक है, इसमें मैंने जोड़ी नहीं कहा है, आपको 44 ही बताना है क्योंकि ऑटोसोम पूछा है। कुल गुणसूत्र तो 46 होते हैं लेकिन इसमें से दो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं तो उसको मैंने छोड़ दिया है, और जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं ना ये नर और मादा में बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम, केवल दो चीजें बदली होती हैं, दो लिंग गुणसूत्र, नर में अलग मादा में अलग, उसमें से भी एक एक जैसा होता है एक्स एक्स, लेकिन इसमें केवल बदला क्या है एक्स वाई, बस इतना अंतर है ठीक है। तो चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 मैं पूछूंगा कि जायगोट, नाम सुना है, बहुत अच्छा, जायगोट, जायगोट जो होता ना, जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या पूछा है तो इसमें आपकी ऑप्शंस के हिसाब से बताना है, जैसे का 4x, खा 3x, गा x, घा 2x। देखो बेटा हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो सोचता होगा x हो सकता है या 2x हो सकता है, इसी दो में सही है आपका अगर लाइफ लाइन हो तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जायगोट की बात है तो ये x हो सकता है या 2x हो सकता है ठीक है। अब बताएं कैसे x हो सकता है कैसे 2x हो सकता है। x इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक x और एक x नर और मादा में से आएंगे तो वो x x गुणा होंगे जो 2x बन जाएंगे तो इसलिए सही होगा ठीक है, समझना। एक नर देगा x, एक मादा देगा x, तो दोनों मिलकर 2x बना लेंगी ठीक है। प्रश्न नंबर 6, 7, प्रश्न नंबर 7 आप लोगों को समझना है, समझना है, समझना है, सारे बायोलॉजिस्ट के क्वेश्चन थे ठीक है, बायोलॉजी के ही हम पुट अप कर लेते हैं ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। पुरुष, पुरुष का नाम सुना होगा अरे यार पुरुष में जैसे आप ये समझ लो कि पुरुष मतलब नर, नर ठीक है, नर लिंग
गुणसूत्र होता है। जो पुरुष होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र का नाम सुना है? देखो नर में क्या होते हैं सब जानते होंगे वैसे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। का एक्स एक्स, खा वाई, गा एक्स वाई, घा वाई एक्स। तो भाई ये दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो ये दोनों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कभी एक नहीं होते, जोड़े में होते हैं। अब जोड़ा कौन सा सही है? ये एक्स एक्स का नाम सुना है, ये होता है क्या? ये होता है आपके मादा जनन तंत्र में, मादाओं में, मादा में। अब ये एक्स वाई जो होता है ना वो होता है नर में, नर। ठीक है, समझ में आया। 10 क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, अब 7 हो चुका है, और भी क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं आप लोगों से, थोड़ा फिजिक्स का हो जाए, क्या दिक्कत है। प्रश्न नंबर 8, मैं हमेशा वैल्यू का यूज कर लेता हूं। प्रश्न नंबर 8, चलो भैया थोड़ा सा ध्यान में देखना, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन मैंने कभी पूछा भी हो। नाम सुना है समतल दर्पण, आप लोगों के मन में आ गया होगा सर कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है वही पूछूंगा। कि फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कौन सा होता है? का 0, खा इनफाइनाइट, गा -25, घा 25, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो भैया कौन सा सही आंसर हो सकता है? आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट इसलिए होता है क्योंकि ये इस टाइप से होते हैं, तो इनका इनफाइनाइट ही होगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो 10 रहेगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या होगी, इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या होगी, आपको मैं बोल देता हूं या फिर चलो लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो का है 10 सेंटीमीटर, खा है 30 सेंटीमीटर, गा है 20 सेंटीमीटर, घा है 80 सेंटीमीटर। चलो कौन सा ऑप्शन सही है गेस कर लो। आप लोगों ने एक संबंध पढ़ा होगा f बराबर r बाई 2, और r निकालना है तो r बराबर 2f, और f कितना दिया हुआ है 10 इंटू 2 बराबर 20, 20 इज करेक्ट आंसर। कहाँ है? ठीक है 20 सही है आपका। ठीक है लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को प्रश्न नंबर 10 आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम कमेंट बॉक्स को भर दो कि हमने बताया है। तो ये वीडियो था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, फ्रेंड्स के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। एक छोटी सी डिस्कस की 2022 का जो न्यू सिलेबस है वो कब से स्टार्ट किया जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में पढ़ाया जाएगा, बट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब से स्टार्ट कर दिया जाए आपका 2022 का न्यू सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन हम सोच रहे हैं बोर्ड एग्जाम का कुछ न्यूज आ जाए कि बोर्ड एग्जाम रद्द होगा या फिर होगा तो फिर न्यू सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।